Hello everyone, welcome here. Today we'll start our second video of this chapter, gaseous state. In this video, we'll talk about the types of vessels. Vessels के type के बारे में देखेंगे कि vessel open type vessel है या closed type vessel है. दोनों को one by one देखेंगे. उसके बाद में अपन बात करेंगे measurement of pressure की. मतलब pressure measure करने के लिए अपने पास कुछ devices होते हैं. उनसे pressure कैसे measure करते हैं उसके बारे में सीखेंगे. और यहाँ पे जनरली दो इंस्ट्रूमेंट अपन दो डिवाइसेस अपन काम में लेते हैं, जिनमें से अपन फर्स्ट पढ़ेंगे बैरोमीटर के बारे में. ये भी एक डिवाइस होता है प्रेशर कैलकुलेट करने का. इसके बाद में सेकंड अपन बात करेंगे मैनोमीटर के बारे में. ये सब नीट जेई और 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और इनसे रिलेटेड ही अपन चलेंगे. ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने बात कर ली थी गैस लॉज के बारे में और आइडियल गैस के बारे में, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में और गैस से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में भी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ वेसल. अपने पास वेसल के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, अभी अपन ने बात की थी. अपन एक तो पढ़ेंगे ओपन टाइप वेसल के बारे में, दूसरा अपन पढ़ेंगे क्लोज टाइप वेसल. इन दोनों के बारे में वन बाय वन देखेंगे. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओपन टाइप वेसल की. ये कौन सा वेसल होता है, इसका मतलब ये अपने पास एक कोई वेसल है, ठीक है, जिसका एक एंड एटमोस्फियर में ओपन है. तो इस एंड से जो प्रेशर लगेगा वो एटमोस्फियरिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर अप्लाइड होगा. एटमोस्फियरिक प्रेशर, और या फिर जिसको अपन नाम देते हैं PATM, या फिर जो प्रेशर एटमोस्फियरिक प्रेशर होता है वो 1 ATM के भी इक्वल होता है. बात तो अपनी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, अब यहाँ पे तो स्टार्ट ही होती है. तो अभी अपन को देखना है कि अगर ये कंटेनर कुछ मैं इस तरह से रख देता, मतलब ये ग्राउंड से अगर 45 डिग्री पे रख देता, तो यहाँ पे एटमोसफियर का कितना प्रेशर लगेगा, तब भी 1 ATM ही लगता. चाहे मैं इसको पूरा उल्टा करके रख देता तो भी यहाँ पे जो ओपन एंड पे प्रेशर अप्लाई होगा एटमोस्फियरिक प्रेशर, वो 1 ATM के ही इक्वल होगा. PATM भी बोल सकते हैं अपन इसको. मतलब जब भी कोई वेसल ओपन होगी तो उसके ओपन एंड पर हमेशा एटमोस्फेरिक प्रेशर ही अप्लाई होगा और वो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 1 ATM के इक्वल. ठीक है, अब प्रेशर ओपन टाइप वेसल के लिए हर जगह सेम होगा. यहाँ पे 1 ATM 1 ATM 1 ATM, तो मैं बोल सकता हूँ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट फॉर ओपन टाइप वेसल्स. प्रेशर कॉन्स्टेंट कर दिया तो अपनी कल अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी, PV इज इक्वल्स टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन होती थी, R ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है. इन दोनों को नीचे भेज दूं मैं तो दो कंटेनर के लिए बात करूं तो P1 V1 अपॉन N1, P1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन N2 T2, ऐसा लिख सकता हूँ. प्रेशर यहाँ पे ओपन टाइप वेसल के लिए क्या होगा, कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2 T2. ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी अपनी ओपन टाइप वेसल के लिए. अब इसको अप्लाई करते कैसे है वो अपन सीखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू. क्वेश्चन में अपन को पूछ रखा है अ वेसल ओपन टू एटमोसफियर, अ वेसल ओपन टू एटमोसफियर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड सच दैट 3/5 ऑफ द एयर इन इट इज एक्सपेल्ड आउट. कैलकुलेट द टेम्परेचर विच द वेसल वॉज हीटेड. ठीक है, क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि अपने पास एक कोई कंटेनर था जिसका टेम्परेचर अपन को दे रखा था 27 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर एयर फिल कर रखी थी. ठीक है, और वो अमाउंट अपन को दे रखी नहीं है. तो अपन अमाउंट ऑफ गैस को किससे रिप्रेजेंट करते थे, नंबर ऑफ मोल्स से. अपन ने कल ही देखा था अमाउंट ऑफ गैस को एन से डिनोट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अपन ने मान लिया कि इसमें एन मोल गैस थी. कितनी थी, एन मोल गैस थी इसमें. प्रेशर इस पे कितना अप्लाई होगा, ये ओपन टाइप वेसल है तो 1 ATM या फिर PATM एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही होगा. अब इसने पूछा है कि कितना टेम्परेचर इसको देंगे, ठीक है, कि इसमें जो एन गैस थी उससे 3/5 पार्ट उस गैस का बाहर चला जाए कंटेनर से, मतलब उड़ जाए, मतलब एक्सपेल्ड आउट हो जाए. ठीक है,
एटमॉस्फेयर में चला जाए, तो वो टेम्परेचर अपन को बताना है। तो पहले एन थी और अपन ने एक टेम्परेचर दिया, जब इस एन में से 3/5 चली गई तो n-3/5 एन करेंगे तो अपने पास जो इसमें कंटेनर में रिमेनिंग गैस अवेलेबल होगी अब वो कितनी होगी, 2/5 n के इक्वल होगी गैस, ठीक है। और अपन को तो जो गैस इसमें रिमेनिंग है उसी को काम में लेना है, जो चली गई तो वो चली गई। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अपनी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती थी, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, आर ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, पी कॉन्स्टेंट है, कंटेनर तो वही है, कंटेनर की वॉल्यूम थोड़ी चेंज हुई है, नहीं हुई, तो वी भी यहाँ पे अपने पास कॉन्स्टेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, n1 t1 इज इक्वल्स टू n2 t2। n1 क्या है, इनिशियली मेरे पास कितने मोल थे गैस के, n मोल्स, तो मैंने n मोल लिख दिए। टेम्परेचर इनिशियली कितना था, 27, तो क्या मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 27 लिख दूँ, नहीं, क्योंकि अपन ने कल ही बात की थी टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में लेते हैं और केल्विन में डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो और केल्विन में अपन को कन्वर्ट करना हो तो अपन 273 ऐड करते हैं उस टेम्परेचर में। तो जब 27 में 273 ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना लिखूंगा, 300 केल्विन, ठीक है। n2 मतलब फाइनली अपने पास कितने मोल्स बचे, रिमेनिंग कितने बचे, यहाँ पे कंटेनर में कितने मोल्स है गैस के, अमाउंट ऑफ गैस कितनी है, तो अमाउंट ऑफ गैस कितनी है, 2/5 n। और फाइनल टेम्परेचर कितना है वही अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो n से n चला गया, 2 से 300 जाएगा 150 टाइम्स, और 5 ऊपर जाएगा तो 150 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा 750 केल्विन, ठीक है। ये वो टेम्परेचर होगा कि जब इस टोटल अमाउंट ऑफ गैस में से 3/5 ऑफ द गैस ऑफ टोटल अमाउंट इज एक्सपेल्ड आउट इन एयर, ठीक है, इन एटमोसफियर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अपना यही आंसर होगा फाइनल टेम्परेचर। बहुत इजी होता है ओपन टाइप वेसल के क्वेश्चन सोल्व करना, आप प्रैक्टिस करना। अब अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लोज टाइप वेसल की। क्लोज टाइप वेसल के भी दो केस बन सकते हैं, पहला हो सकता है रिजिड वेसल और दूसरा हो सकता है नॉन रिजिड वेसल। रिजिड और नॉन रिजिड क्या होता है आपको पता है, ये सबसे पहले तो क्लोज टाइप वेसल है, मतलब इसका कोई भी एंड एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं होगा। रिजिड वेसल मतलब जो इसकी वॉल्स होगी कंटेनर की वो नॉन मूवेबल होगी, ये कंटेनर की वॉल्यूम ना ही तो बढ़ सकती है ना ही कम हो सकती है, फिक्स रहेगी, ठीक है। ये होता है रिजिड, मतलब जब इसकी वॉल्स मूव नहीं कर सकती, जितनी वॉल्यूम पहले थी उतनी बाद में रहेगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रिजिड टाइप वेसल्स के लिए वॉल्यूम होती है कंटेनर की वो हमेशा क्या होगी, कॉन्स्टेंट। वही नॉन रिजिड की बात करूँ, नॉन रिजिड का जैसे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, बलून है कोई, ठीक है, ये स्पीयर है, बलून है, तो बलून की जो वॉल्स होती है वो फिक्स थोड़ी रहती है, उसकी वॉल्स मूवेबल होती है, वो ऐसा एक जगह फिक्स तो नहीं हो जाती ना कि ये बलून की बस इतनी वॉल्यूम है, इससे कम ज्यादा नहीं हो सकती, हो सकती है एयर बबल है वो भी हो सकता है। तो मैं इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ, नॉन रिजिड वेसल्स कौन से होते हैं जिनकी वॉल्स मूवेबल होती है, मूवेबल वॉल्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लूँ तो बलून हो सकता है, एयर बबल भी हो सकता है, और एक जैसे ये सिलेंडर हो गया कोई, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। अब ध्यान रखना, अगर इस सिलेंडर का ये एंड ओपन टू एटमोस्फियर है तो ये कौन से टाइप का वेसल हो जाएगा, ओपन टाइप वेसल का एग्जाम्पल हो जाएगा, उसमें कंसिडर करेंगे। वहीं अगर ये सिलेंडर यहां से क्लोज्ड हो जाता तो ये किसमें किसमें कंसिडर होता, रिजिड वेसल्स में और क्लोज्ड वेसल टाइप में, ठीक है। बट वही अगर इसका एंड ओपन तो है बट यहाँ पे मैंने पिस्टन को यूज कर लिया, पिस्टन क्या होता है इस चैप्टर में अपन आगे बहुत डिटेल में देखेंगे, बट पिस्टन होता है कि पिस्टन से अपन
प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पिस्टन मूवेबल होता है, मतलब इसकी तीन वॉल्स तो फिक्स्ड है, बट एक वॉल है ये जो अपन ने पिस्टन ले लिया, ये इसकी वॉल हो गई, ये मूवेबल है। तो ये भी किस में कंसिडर होगा? नॉन रिजिड वेसल में। नॉन रिजिड वेसल के अंदर क्यों होगा, रिजिड में क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिजिड की वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट थोड़ी रहेगी। क्या पता ये पिस्टन यहां तक आ गया तो इसकी वॉल्यूम इतनी ही होगी, क्या पता इस पिस्टन को वापस इधर पीछे खींच लिया हो तो ये इसकी वॉल्यूम इतनी हो जाएगी। वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है क्या? नहीं है। तो ये नॉन रिजिड में कंसिडर होगा। तो इसमें अपन एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, सिलेंडर फिटेड विथ पिस्टन, ठीक है, ये एक मूवेबल वॉल की तरह काम करेगा इस सिलेंडर में, क्लियर। अब अपन एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे। एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ अ लेक हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। कोई एक एयर बबल है जो लेक के बॉटम पे है, जिसकी रेडियस, उस एयर बबल की रेडियस कितनी दे रखी है अपन को? 1 सेंटीमीटर। इफ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लेक, लेक के बॉटम का जो प्रेशर है वो अपन को गिवन है 27 atm, द एंड द बबल राइज टू सरफेस स्लोली, ठीक है, वो बबल धीरे धीरे स्लोली स्लोली उस लेक की सरफेस पे आ गया, देन व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ बबल एट द सरफेस। जब वो सरफेस पे आया तब उसकी रेडियस क्या होगी, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। अपन को मानना है टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या है, टेम्परेचर है वो है कांस्टेंट, ठीक है, ये अपने कोई एक लेक है, ठीक है, इसके बॉटम पे यहाँ पे एक कोई एयर बबल है जिसकी रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और बॉटम पे यहाँ पे प्रेशर दे रखा है अपन इसको मान ले P1, वो दे रखा है अपन को 27 atm, क्लियर। अब इसने बोला कि ये स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा, तब ये मान लो ये सरफेस पे आ गया, इसके सरफेस पे आ जाएगा लेक की, तब इसकी रेडियस क्या होगी वो अपन को बतानी है। तो यहाँ पे नीचे का प्रेशर तो है, ऊपर सरफेस पे क्या प्रेशर लगेगा? सरफेस पे तो ये एटमोस्फियर के कांटेक्ट में आ गया, यहाँ पे एटमोस्फियरिक प्रेशर ही लगेगा, P atm के इक्वल प्रेशर लगेगा, और वो प्रेशर कितना होता है, 1 atm के इक्वल, अभी अपन ने बात की थी। और दूसरा ये एयर बबल है, अब इसके अंदर कोई भी ना गैस अंदर गई है ना ही गैस बाहर गई है, मतलब गैस की जो अमाउंट पहले थी वही अब है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, अमाउंट ऑफ गैस इज कॉन्स्टेंट, और अमाउंट ऑफ गैस को अपन रिप्रेजेंट करते थे नंबर ऑफ मोल्स से, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन बबल बिफोर एंड आफ्टर इज सेम, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस भी कॉन्स्टेंट है। अपनी इक्वेशन क्या होती थी, आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल्स टू nRT, टेम्परेचर अपन को कॉन्स्टेंट एज्यूम करने के लिए बोला है, आर अपन को कॉन्स्टेंट ऑलरेडी कॉन्स्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, जितने पहले थे उतने ही अब है। तो अपन पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पे पी वी अपना कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैं अपन क्या लिख सकते हैं, बिफोर और आफ्टर के लिए P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है, सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करनी है। इनिशियली अपने पास प्रेशर कितना था, 27 atm, मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 27 atm, वॉल्यूम कितनी थी, अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या लिखेंगे, ये एयर बबल कैसा होता है, स्फीयरिकल होता है, स्फीयरिकल शेप होती है बबल की, ठीक है, और स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, अपन ने पहले पढ़ रखा है 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही होती है। और यहाँ पे आर अपन को गिवन है रेडियस 1, तो 1 का क्यूब लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 4/3 πr³, रेडियस गिवन है 1, तो 1, P2 मेरे को पता है 1 atm है, 1 atm मल्टीप्लाई V2 क्या है, यहाँ पे वही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ पे भी बस आर अपन को फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 πr³, और यही आर अपन को रेडियस फाइंड करनी है जब वो ये बबल सरफेस पे आ गया लेक की। तो यहां से अपन देखेंगे
4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास बचा कितना, 27 इज इक्वल्स टू R³, ठीक है। और 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू R³, मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3। मतलब जब वो सरफेस पे जाएगा तब उसकी रेडियस होगी 3। और अगर ये आपको पता नहीं है, अगर आप जस्ट 11th में आए हो, तो जैसे R³ था 27, यहाँ पे अब R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 27 का क्यूब रूट निकालना, और 27 का क्यूब रूट 3 आता है, ठीक है। ये अपनी यहाँ पे बात होगी क्लोज टाइप वेसल की और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की जो अपन ने पढ़े थे अभी, देखा है अभी अपन ने। अब अपन यहाँ पे एक नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। अगर अपने पास कोई कंटेनर हो, वो क्लोज तो हो वेसल, बट अगर कनेक्टेड कंटेनर्स हो, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन हेडिंग लिखेंगे कनेक्टेड कंटेनर, ठीक है। कनेक्टेड कंटेनर्स की बात करेंगे, मतलब ये मेरे पास कोई कंटेनर है, ये दो कंटेनर है, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ है, मतलब इधर की गैस इधर नहीं जा सकती और इधर की गैस इधर नहीं जा सकती, ठीक है। यहाँ पे गैस का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T, T1 मान लो, ठीक है। यहाँ पे है प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2, ठीक है। अब जब मैं इस स्टॉपर को हटाऊंगा, ठीक है, इस स्टॉपर को मैंने हटा दिया, रिमूव करूंगा, तो इन दोनों कंटेनर का जो प्रेशर होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। ये आप सही बना लेना, यहाँ पे भी प्रेशर P होगा और यहाँ पे भी प्रेशर P होगा, दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा। वॉल्यूम तो वही रहेगी जो पहले थी, चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो सकती। ये वॉल्यूम इसकी V1 मान ली, इसकी V2 मान ली, वही टेम्परेचर इसका T1 और T2, टेम्परेचर भी अलग रहेगा। बट यहाँ पे मान लो गैस के 10 मोल थे, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस 10 मोल थे, इसमें थे 8 मोल्स, ठीक है, सॉरी 8 मोलिक्यूल्स मान लो, 8 एटम्स मान लो गैस के, और इसमें 10 है, तो दोनों में दोनों कंटेनर के मिला के कितने थे, 18। और जब स्टॉपर हटा दिया अपन ने, गैस को ना बाहर निकाला ना गैस इसमें अंदर डाली, तो गैस की जो अमाउंट रहेगी वो इधर भी तो 10 और इसमें 8, मतलब इस पूरे सिस्टम में 18 ही रहेंगे, ठीक है। मतलब अमाउंट ऑफ गैस जो पहले थी वही अमाउंट ऑफ गैस अब है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल मोल्स, अमाउंट ऑफ गैस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स से, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल मोल्स बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल्स टू टोटल मोल आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद में, स्टॉपर से पहले और स्टॉपर को हटाने के बाद में। मोल्स तो दोनों में अमाउंट ऑफ गैस तो सेम रहेगी, ठीक है। और अपनी आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, PV इज इक्वल्स टू NRT। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो तो ये RT नीचे चला जाएगा, तो PV अपॉन RT, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, P1V1 अपॉन RT1 प्लस P2V2 अपॉन RT2, ठीक है। इसका बिफोर मिक्सिंग मोल्स इसके और आफ्टर मिक्सिंग दोनों इक्वल कर देंगे अपन, P V1 अपॉन RT1 प्लस P V2 अपॉन RT2, ठीक है। R यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और पीछे अपनी ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसको भी ये आपके समझ में आया हो तो भी ठीक है, नहीं आया हो तो भी ठीक है, क्योंकि अब अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसमें अपन को इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में अपन को दो क्लोज कंटेनर्स दे रखे हैं, ठीक है, ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम अपन को दे रखी है कि सेम है वॉल्यूम,
कंटेनिंग एन आइडियल गैस, कंटेनिंग एन आइडियल गैस है दोनों में, एट प्रेशर पी वन एंड टेम्परेचर टी वन आर कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज शोन। जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है, ये अपने पास दो कंटेनर है इक्वल वॉल्यूम के, इन दोनों की वॉल्यूम सेम है, इस कंटेनर की और इस कंटेनर की। यहाँ का टेम्परेचर, इनिशियली टेम्परेचर टी वन है अपना, ठीक है, और वॉल्यूम दोनों की सेम है, और यहाँ पे प्रेशर अपना पी वन है, ठीक है, ये अपन को इनिशियली दे रखा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द कंटेनर, ठीक है, इज राइज टू टी टू, देन फाइनली प्रेशर पी इज। यहाँ पे एक चीज बताना मेरे को कि ये कंटेनर थे मेरे पास, दोनों इक्वल वॉल्यूम के थे, वॉल्यूम तो अब भी चेंज नहीं होगी, बट इसने क्या बोला, दोनों में से किसी भी एक साइड का टेम्परेचर बढ़ा दिया अपन, ठीक है। तो जैसे इसको अपन ने मान लिया टी टू, ये अब टेम्परेचर टी टू हो गया, वॉल्यूम तो सेम रहेगी, वॉल्यूम तो सेम रहेगी, इसका टेम्परेचर वही पहले वाला ही रहेगा टी वन, और यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा वो पी टू हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्रेशर क्या हो जाएगा, पी टू। दोनों कंटेनर का प्रेशर तो सेम रहेगा अगर दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक। अब यहाँ पे मेरे को बताना है कि फाइनल प्रेशर कितना होगा, ठीक है, ये पी टू है, ये मेरे को बताना है। इसके लिए मैं सबसे पहले काम में खेलूंगा मेरी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब मेरे को ये बताना, इनिशियली जो इस कंटेनर में वो इन दोनों में जो अमाउंट ऑफ गैस थी, उसको यहाँ पे अपने निकाल दिया या और गैस ऐड थोड़ी करी है, ऐड या रिमूव थोड़ी की नहीं की है ना, तो जितनी अमाउंट गैस की यहाँ पे थी उतनी ही अमाउंट गैस की यहाँ होगी। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग एंड नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर हीटिंग, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बिफोर हीटिंग और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर हीटिंग दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये आर टी नीचे चला जाएगा, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी वन वी वन अपॉन आर टी वन प्लस पी टू वी टू अपॉन आर, सॉरी एक बार मेरे को जगह चाहिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर इक्वल पुट कर दी। इनिशियली इन दोनों का, इन इसके मोल्स देखेंगे पहले, तो स्टार्टिंग में क्या थे, पी वन प्रेशर क्या था, पी वन वॉल्यूम क्या थी, वी अपॉन टेम्परेचर क्या था, टी वन और आर तो सेम रहेगा, आर टी वन प्लस पी टू, मतलब इस कंटेनर का प्रेशर भी पी वन ही था, वॉल्यूम कितनी थी, वॉल्यूम सेम थी कंटेनर की, दोनों कंटेनर की, अपॉन आर टेम्परेचर इनिशियली तो सेम ही था। फाइनली क्या कर दिया इसने कि प्रेशर चेंज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर चेंज होगा, और वो प्रेशर हो जाएगा पी टू, वॉल्यूम सेम अपॉन आर टी वन, ठीक है, इसका देख रहे हैं अपन, आर टी वन प्लस अब इसका पी टू, वॉल्यूम फिर से सेम अपॉन आर, टेम्परेचर यहाँ पे अपन ने बढ़ा के टी वन से क्या कर दिया टी टू, तो टी टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आर 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 एंड आर कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे अपने और एक अपनी वॉल्यूम भी कैंसिल हो जाएगी, जब ये कैंसिल हो जाएगी तो अपने क्या, अपने पास क्या बचा, पी वन अपॉन टी वन प्लस पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू पी टू अपॉन टी वन प्लस पी टू अपॉन टी टू, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसके अंदर मैं पी टू कॉमन ले लूँ तो पी टू कॉमन ले लिया मैंने, तो पीछे क्या बचा, वन अपॉन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो एल सी एम लूंगा, तो आ जाएगा टी वन टी टू, और ऊपर क्या बच जाएगा, टी वन प्लस टी टू, ये पी टू एज इट इज, ये टू पी वन अपॉन टी वन, ठीक है। अपन को ये फाइंड करना है, इस वैल्यू को इधर भेज देंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू है, ये तो चली जाएगी ऊपर,
और जो ऊपर वाली है वो चली जाएगी नीचे। तो यहाँ पे एक बार देखना ये कुछ इस तरह से, और पहले ये देखो T1 से T1 मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचा, 2P1 इज इक्वल्स टू P2 T1 प्लस T2 अपॉन T2। T2 मैंने ऊपर भेज दिया तो 2P1 मल्टीप्लाई T2 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू है, इसको मैंने नीचे भेज दी तो T1 प्लस T2 ठीक है इज इक्वल्स टू P2, ये मेरे पास फाइनल प्रेशर आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखना ये भी नहीं है, ये आ रहा था मेरा ठीक है, 2P1 मल्टीप्लाई T2 मल्टीप्लाई T2 अपॉन T1 प्लस T2 यही आ रहा था अपना, तो ये ऑप्शन करेक्ट ठीक है। यहाँ पे अपनी बात खत्म होती है टाइप्स ऑफ वेसल्स की, और उससे रिलेटेड अपने एक आधे क्वेश्चन भी देख लिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की, मतलब प्रेशर मेजर करने के लिए अपने पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेशर मेजर करने के लिए अपने पास यहाँ पे काम में आने वाले हैं दो डिवाइसेस, उनके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। इसमें से अपन फर्स्ट पढ़ेंगे एक सेकेंड बैरोमीटर के बारे में, बैरोमीटर के बारे में ठीक है, ये आर एक बार ही है। बैरोमीटर होता क्या है, ये एक डिवाइस होता है जो प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है, और अब इसकी अपन वर्किंग देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे अपने पास एक कोई कंटेनर है ठीक है, इस कंटेनर के अंदर अपने लिक्विड फिल कर लिया, और वो लिक्विड कौन सा फिल किया अपन ने, अभी बताता हूँ, मरकरी को काम में लिया है, क्यों काम में लिया है बताऊंगा आगे, HG को अपन ने इसमें फिल कर लिया। यहाँ पे इसने क्या किया, एक दूसरा कंटेनर कुछ इस तरह से लगा दिया उल्टा करके, और यहाँ का प्रेशर कर दिया जीरो ठीक है। जब जीरो प्रेशर कर दिया तो जो मरकरी थी इसने कुछ हाइट अटेन कर ली यहाँ पे, और ये हाइट अटेन क्योंकि यहां से एटमोस्फियरिक प्रेशर लग रहा था, ये ओपन है, तो PATM, जब ये PATM प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हुआ, इसने इस ट्यूब के अंदर कुछ लिक्विड ने हाइट अटेन की, और जो वो हाइट होती है ठीक है वही इस प्रेशर के इक्वल होती है, मतलब द हाइट अटेन बाय मरकरी मतलब Hg इन द कॉलम, इस कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल प्रेशर, इसको रिप्रेजेंट कर रही है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे क्या है, एटमोस्फियरिक प्रेशर विच इज PATM, और वी कैन से 1 ATM ठीक है। तो जो 1 ATM प्रेशर अप्लाई करने पे, मतलब ये एक्सटर्नल प्रेशर जब अपन 1 ATM अप्लाई करते हैं, तो इस मरकरी ने इस कॉलम के अंदर जो हाइट अटेन की वो हाइट अटेन की है इसने 76 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे अगर रीडिंग लिखें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 100 तक आपने ले ली रीडिंग, तो इस रीडिंग में आया कि ये 76 सेंटीमीटर तक हाइट अटेन की है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 किया तो इसने कितनी हाइट अटेन की, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इन दिस कॉलम। तो यही अपन ने पहले कन्वर्जन में भी देखा था, 1 ATM होता है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल होता है, और वो कैसा कैसे होता है वो बैरोमीटर की रीडिंग से अपन समझते हैं, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन 100 से मल्टी सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो 76 सेंटीमीटर को क्या बोल सकते हैं, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बात करेंगे कि अपन ने मरकरी को ही क्यों काम में लिया, यहाँ पे क्यों फिल किया, Hg मरकरी इज फिल्ड इन बैरोमीटर बिकॉज,
क्यों? इट हैज हाई डेंसिटी सो राइज शॉर्टर हाइट। मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा होगी मतलब मास ज्यादा होगा। ठीक है, और इसने क्या बोला यहाँ पे, इट हैज हाई डेंसिटी सो इट विल राइज टू शॉर्टर हाइट। मतलब अगर यहाँ पे मरकरी की जगह कोई और लिक्विड ले लेते हैं तो वो हाइट पता नहीं कितनी अटेन करता और ऊपर जाता, बट मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो ये कम हाइट अटेन करेगा, मतलब रीडिंग लेने में अपन को इजी होगा। तो यहाँ पे क्या बताया इसने, इट हैज हाई डेंसिटी सो विल राइज टू शॉर्टर हाइट। नेक्स्ट पॉइंट इसने बोला, इट इज नॉन वोलेटाइल सो रीडिंग इज एरर फ्री। मतलब जैसे वाटर होता या कुछ और होता तो वो इन्वायरमेंट में, एटमोसफियर में इवोपरेट हो जाता, बट ये नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, ये कुछ इवेपोरेट वगैरह नहीं होगा, इसलिए अपन मरकरी को काम में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट स्टक टू द ग्लास। मतलब जैसे अगर अपन ग्लिसरीन ले लेते यहाँ पे इसमें ट्यूब में, तो वो यहाँ पे स्टक हो जाती, मतलब चिप जाती ग्लास की वॉल से, बट मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जो ग्लास वॉल से स्टक नहीं होता, इसलिए मरकरी को ही अपन काम में लेते हैं एरर फ्री रीडिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन अपने नेक्स्ट डिवाइस की बात करेंगे। और नेक्स्ट डिवाइस की बात करने से पहले मैं एक चीज और लिखवा दूं आपको कि इफ लिक्विड अदर देन मरकरी इज यूज्ड देन, मतलब इसने क्या बोला अपन को कि अगर उस बैरोमीटर में अगर अपन मरकरी ना लेके कोई और लिक्विड ले लेते हैं तो अपनी क्या रीडिंग आती। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे अपन प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट एच इज रो जी एच। ठीक है, मतलब इसने बोला है कि प्रेशर किसी भी एच हाइट पर किसी भी कॉलम का प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। जैसे ये कोई एक कॉलम है, इसमें इसमें इसने यहाँ का प्रेशर पूछ लिया, प्रेशर क्या होगा, वो प्रेशर किसके इक्वल होगा, रो जी एच डेंसिटी, और जी है यहाँ पे कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एच है जितनी इसने हाइट अटेन की है वो, इससे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं अपन। अब आप बोलोगे कि प्रेशर का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे रो जी एच कैसे आ गया। तो मैं इसको वैसे फिजिक्स में प्रूव करते हो, पर यहाँ पे स्पीड से बता, जल्दी से बताता हूँ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा काम में आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उसको अपन जी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 या अपन अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं। ठीक है, एम जी अपॉन एरिया क्या होता है, ये अपने पास कोई भी एक एरिया को अपने ही ले लेते हैं। ठीक है, एक बार के लिए। अब मेरे को एक चीज बताना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं मास को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूँ ना, अरे हाँ ना, हाँ कि ना, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी, सॉरी नहीं लिख सकता क्या, हाँ ना कर रहे हो, मास क्या होगा यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं इस मास की वैल्यू को, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को क्या इस मास की जगह लिख सकता हूँ डेंसिटी की फॉर्म में, कि यहाँ पे मास की जगह मैंने लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन ए। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ वॉल्यूम, जैसे मैं ये कोई कंटेनर था, ये सिलेंडर मान लिया मैंने, इसकी वॉल्यूम कैसे पता करते हैं, वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू हाइट को भी अपन वॉल्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी हाइट, तो इसके सिलेंडर का, सिलेंडर के एरिए एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास सिलेंडर की वॉल्यूम आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ,
वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट जी अपॉन ए, ए से ए गया तो पीछे क्या बचा मेरे पास, डी एच जी डेंसिटी, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला हो जाता है रो जी एच। क्लियर, ये समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो आप फिजिक्स में पढ़ लोगे। सो मैंने बस आपको एक आइडिया दिया था कि प्रेशर को डेंसिटी की फॉर्म में अपन कैसे काम में लेते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे आता है, ये रो जी एच। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा इस हाइट की वजह से वो होगा रो जी एच कॉलम के अंदर। अब अपन ने बात की थी अगर अपन मरकरी की जगह कोई दूसरा लिक्विड ले लेते बेरोमीटर में, तो वो लिक्विड अपन लेके भी देख लेते हैं। ये अपने पास फिर से अपने एक बेरोमीटर बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर ये अपन ने कोई और लिक्विड ले लिया अदर देन मरकरी, ठीक है, और अपन ने यहां देखा कि इस लिक्विड ने यहाँ पे इस कॉलम के अंदर इतनी हाइट अटेन की, इतनी हाइट अटेन की, ठीक है, वहीं इधर अपन ने मरकरी लिया था पहले एच जी मरकरी, और यहाँ पे इस कॉलम ने कितनी हाइट अटेन की थी 76, तो इसने यहाँ पे अपन मान लेते हैं इसने एच हाइट अटेन की होगी मरकरी ने। तो सबसे पहले अपन को अगर कोई लिक्विड अदर देन मरकरी दे रखा हो तो अपनी स्टैंडर्ड, अपना स्टैंडर्ड लिक्विड होता है मरकरी। अपन हर जगह प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए मरकरी को ही काम में लेके चलते हैं, तो अपन को पहले अगर कोई लिक्विड दे रखा हो तो मरकरी के अंदर उसकी हाइट कन्वर्ट करनी है, मरकरी में चेंज करना है उस लिक्विड को। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो 1 atm है, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है वो भी 1 atm है, ठीक है, दोनों के। अब यहाँ पे हाइट का डिफरेंस आ रहा है बट प्रेशर तो दोनों पे सेम ही लगेगा ना, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ लिक्विड का प्रेशर और मरकरी पे प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अपन ने देखा था रो जी एच मतलब डेंसिटी मल्टीप्लाई जी इंटू हाइट, और हाइट किसकी, हाइट ऑफ लिक्विड इस कॉलम के अंदर, और यहाँ पे एच जी के लिए डेंसिटी ऑफ एच जी मल्टीप्लाई जी इंटू हाइट किसकी, एच जी की जो इस कॉलम में एच जी ने यहाँ पे हाइट अटेंड की वो, इन दोनों को अपन इक्वल लिख दिया। अब ये डेंसिटी तो थी लिक्विड की, जी दोनों का सेम तो जी से जी गया, यहाँ पे मैं एच जी की हाइट क्या लिख सकता हूँ, ये नीचे चला जाएगा, तो हाइट ऑफ एच जी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई हाइट ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ एच जी। इस फॉर्मूले से अगर मेरे को कोई लिक्विड दे रखा हो तो मैं सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूंगा, मतलब उसे मरकरी की हाइट कैलकुलेट करूंगा और उसके बाद ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तभी ये सही होगा। ये था अपना पहला डिवाइस जिसको अपन जानते थे बेरोमीटर के नाम से, जो हमें सिखाता है कि कैसे हम एटमोस्फियर प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। सेकंड अपना जो डिवाइस होगा वो होता है मैनोमीटर, मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस टू मेजर प्रेशर ऑफ गैसेस, इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर, यही अपना होता है मैनोमीटर, ठीक है। ये कैसा होता है, जैसे ये कोई ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर अपन ने गैस फिल कर रखी है, इस कंटेनर से एक ये ट्यूब जुड़ी हुई है, ठीक है, और इस ट्यूब का जो ये एंड है ये ओपन एंड है, मतलब इसके मैनोमीटर के दो केस होते हैं, इंपॉर्टेंट यही होता है क्या, ये फर्स्ट टाइप ले लेते हैं अपन ओपन एंड मैनोमीटर, ठीक
है, ओपन एंड मैनोमीटर की बात कर लेते हैं। मतलब ये जो यूट्यूब होगी, ये इसका जो ये एंड होगा, ये ओपन टू एटमोसफियर होगा। यहाँ पे पहले अपन ने टॉपर लगा दिया एक कुछ, ठीक है, टॉपर, और यहाँ पे एक लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। और वो लिक्विड अपन ने कौन सा फिल किया, वही मरकरी, हर जगह अपन मरकरी को ही काम में लेंगे। अब जब अपन इस स्टॉपर को हटा देते हैं, तो डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना मेरा, आप सही बना लेना, ठीक है। ये डायग्राम है, सॉरी, दोबारा बना लेते हैं अपन। ये अपनी ट्यूब थी, इसका एंड ओपन टू एटमोसफियर था, इसमें गैस फिल कर रखी थी अपन ने, ठीक है। और मेरे पास ये एक कंटेनर है, और मुझे पता करना है कि इसका प्रेशर कितना होगा, जो ये अंदर गैस फिल कर रखी है, ये कितना प्रेशर अप्लाई करेगी। तो ये लिक्विड था, ठीक है, ये लिक्विड था। अब इस लिक्विड पे इस एंड से क्या, कौन सा प्रेशर लगेगा, ये ओपन एंड है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा, PATM, मतलब एटमोस्फियरिक प्रेशर के इक्वल, विच इज 180। यहाँ पे एटमोस्फियरिक प्रेशर तो लगेगा नहीं, ये एटमोस्फियर के कॉन्टेक्ट में तो है नहीं, बट यहाँ से जब अपने स्टॉपर हटा दिया, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो कौन सा प्रेशर लगेगा, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा, ये मरकरी था। तो जब ये प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हुआ, तो अगर अपन केस बनाते हैं, इफ अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा एटमोस्फियरिक प्रेशर से, ठीक है। अब आप खुद देखो, अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पे और इसका कम होगा, तो ये लिक्विड इधर ऊपर चला जाएगा। मतलब मैं सिर्फ ये यूट्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से ये ऊपर चला जाएगा यहां तक। अगर गैस का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तो कुछ ऐसा होगा, यही ना, इधर से ज्यादा प्रेशर लगा तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर ये प्रेशर कम होगा तो, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना, अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, तो यह एक डिफरेंस, यहाँ एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक स्लाइड लेवल, एक साइड लेवल कम हो जाएगा और एक साइड का ज्यादा। मतलब अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ से ये ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो ये इधर चला जाएगा ऊपर तक, ठीक है। और यहाँ पे एक ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और जो ये डिफरेंस क्रिएट होता है एच हाइट का, इसकी हाइट मान ली अपने एच, ठीक है, ये अपना डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर देखना, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अपन ने नाम दे दिया एच, और यहां से प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा था, एटमोस्फियरिक प्रेशर के इक्वल, और एटमोस्फियरिक प्रेशर को अपन क्या बोल सकते थे, 180, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, बात की थी अपन ने पहले, बोल सकता हूँ मैं ऐसे। और एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंट बना लिया ए पॉइंट, यहाँ पे मैंने पॉइंट बना लिया बी पॉइंट, यहाँ पे बना लिया ए पॉइंट, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि एक लिक्विड में सेम हाइट पर प्रेशर भी सेम होता है, और ये दोनों सेम हाइट पे मैंने दो पॉइंट बनाए ए और बी, तो यहाँ पे सेम हाइट पे किसी भी लिक्विड में प्रेशर भी सेम होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू बी, ए का प्रेशर बी के प्रेशर के इक्वल होगा,
ना, मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ बी, दोनों के प्रेशर को इक्वल कर दिए। यहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई होगा, जो गैस का प्रेशर था वही अप्लाई हो रहा था यहाँ पे ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे पी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑफ गैस पी बी। यहाँ पे क्या होगा, एक इस पॉइंट पे एक तो एटमोस्फियरिक प्रेशर काम करेगा, तो मैं क्या लिख दूं, पी ए टी एम प्लस एक प्रेशर इस एच हाइट की वजह से भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, तो यहाँ पे ड्यू टू एच जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, पी प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी ए टी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू मरकरी कितना लगेगा, जितनी उसने हाइट अटेन की होगी एच, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 76 प्लस एच सेंटीमीटर ओ एच जी। ठीक है, अगर मेरे को हाइट दे रखी हो, ठीक है, और मेरे को प्रेशर ऑफ गैस पूछा हो मैनोमीटर के अंदर, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 76 प्लस एच सेंटीमीटर ओ एच जी, ऐसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। वहीं एक बात बताना, अगर यहाँ पे अपन दूसरा लिख लेते हैं, इफ प्रेशर ऑफ गैस इज लेस देन एटमोस्फियरिक प्रेशर, तो इस यू ट्यूब के अंदर जो ट्यूब थी उसमें लेवल कैसा बन जाता, इधर से ज्यादा प्रेशर लगता तो लेवल इधर ऊपर चला जाता, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता एच हाइट का। अगर ऐसा होता तो अपना क्या हो जाता, यहाँ पे अगर अपन ए पॉइंट बना लेते, यहाँ पे बी पॉइंट बना लेते, तो क्या हो जाता, प्रेशर ऑफ गैस प्लस एच इज इक्वल्स टू पी ए टी एम, पी ए टी एम को 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी भी बोलते हैं, और अपन को अगर गैस का प्रेशर फाइंड करना हो तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू एच इधर जाता तो माइनस हो जाता, तो 76 माइनस एच सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, ये बात हो गई अपनी ओपन टाइप मैनोमीटर की। इसके बाद में अपन बात देखेंगे क्लोज्ड एंड मैनोमीटर की। अगर मैनोमीटर का एंड क्लोज हो, मतलब सेम वही, ये मेरे पास एक कंटेनर था, इसमें मैंने गैस फिल कर ली और यहाँ पे एक यू ट्यूब बना ली, ठीक है, और इस एंड को अपन ने अब क्लोज कर लिया, ये बी केस ले लेते हैं, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, ठीक है, ये क्लोज कर लिया, यहां पर मरकरी फिल कर ली, ठीक है। अब यहां से जब ये गैस आएगी तो यहां पे इस पॉइंट पे क्या प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पे सिर्फ गैस प्रेशर अप्लाई करेगी, और यहाँ पे पी ए टी एम नहीं, क्यों, क्योंकि ये एंड क्लोज है, इस साइड से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये ऊपर की साइड चला जाएगा इस मरकरी का लेवल, और जब ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये एक साइड से नीचे एक साइड से ऊपर, तो यहाँ पे एक ये डिफरेंस क्रिएट होगा, अगेन वही एच हाइट का, ठीक है, एच हाइट ऑफ एच जी, एच हाइट ऑफ एच जी, सेम यहाँ पे पॉइंट ए बना लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी बना लेते हैं, सेम हाइट पे किसी भी लिक्विड में प्रेशर क्या होगा, इक्वल है, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, ए पे कौन सा प्रेशर अप्लाई होगा, पी ए टी एम, बी पे कौन सा प्रेशर अप्लाई होगा, सिर्फ इस हाइट की वजह से, एच जी की वजह से, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ ए क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस अप्लाई होगा और इस पे क्या होगा, एच सेंटीमीटर ऑफ एच जी, सिर्फ हाइट की वजह से कोई एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि एंड को अपन ने कर दिया क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक क्वेश्चन की, बाद में आज की लेक्चर को यही एंड करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक मैनोमीटर दे रखा है, ओपन टाइप मैनोमीटर है ये, मैं पहले बना लेता हूँ एक बार,
कुछ इस तरह से। और यहाँ पे इसने ग्लीसरीन फिल कर दी, ठीक है, और इसका ये गैस फिल कर दी अपन ने। टेम्परेचर अपन को दे रखा है 300 केल्विन। वॉल्यूम इस कंटेनर की अपन को गिवन है 98.4 लीटर। कैलकुलेट अपन को करना है, कैलकुलेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस के मोल्स अपन को कैलकुलेट करने हैं प्रेजेंट इन द कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप मेरे को एक बात बताना, डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन अपन को 13.6 ग्राम पर ml, और डेंसिटी ऑफ ग्लीसरीन भी दे रखी है मेरे को कितनी, 3.4 ग्राम पर ml। अपन ने क्या बात कर रखी थी पहले, अगर अदर देन मरकरी कोई भी अदर लिक्विड दे रखा हो तो अपन को सबसे पहले मरकरी की क्या हाइट होती वो कन्वर्ट करनी थी। वो कन्वर्ट करने के लिए अपन कैसे करते थे कन्वर्ट, अपन ने सीखा था कन्वर्ट हाइट ऑफ ग्लीसरीन इनटू एचजी। तो ये कैसे कैलकुलेट करते थे, दोनों का प्रेशर इक्वल, प्रेशर ऑफ ग्लीसरीन इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ एचजी, बात की थी अपन ने पहले, मतलब डेंसिटी ऑफ ग्लीसरीन मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ग्लीसरीन रो जी एच इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मरकरी मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ मरकरी। यहां से जी गया, ये डेंसिटी ऑफ ये नीचे चला जाएगा मरकरी, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ मरकरी इज इक्वल्स टू 3.4 अपॉन 13.6 मल्टीप्लाई 76। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है, ये चला जाएगा 19 टाइम्स, सॉरी ये इससे जाएगा 4 टाइम्स, और 4 से 70 ये 6 जाएगा 19 टाइम्स। तो अपने पास 19 सेंटीमीटर हाइट आ गई मरकरी की। ये कैसे आई बता देता हूँ, 13 पॉइंट ये हाइट, हाइट ऑफ मरकरी इज इक्वल्स टू, इधर क्या था ग्लीसरीन की डेंसिटी और हाइट ऑफ ग्लीसरीन, डेंसिटी ऑफ ग्लीसरीन और हाइट ऑफ ग्लीसरीन, ठीक है, ये नीचे डिवाइड में गया अपॉन डेंसिटी ऑफ मरकरी। इनकी मैंने वैल्यू पुट की है सिर्फ, और यहाँ पे आपको शायद मैंने दिया नहीं होगा, उधर मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, ये जो इसने हाइट अटेन की है ग्लिसरीन ने, ये हाइट अपन को दे रखी है गिवन है क्वेश्चन के अंदर 76 सेंटीमीटर। तो ये अपना अगर ग्लिसरीन की जगह मरकरी होती कॉलम में, इतनी हाइट अटेन करती, मतलब मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम सही नहीं बनाया लेकिन आप बना लेना, ये ओपन एंड है। अगर यहाँ पे ग्लीसरीन की जगह मरकरी फिल कर दी मैंने अब, तो मरकरी ने कितनी हाइट अटेन की होगी, 19 सेंटीमीटर, ठीक है। एटमोस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हुआ होगा वो तो सेम उतना ही रहेगा, 1 atm, जिसको अपन बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर ओ एच जी, ठीक है। यहाँ का दोनों का मैं प्रेशर इक्वल कर दूं तो प्रेशर ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ बी पॉइंट, सॉरी अपन को मोल्स बताने रहे हैं, ठीक है। मोल्स बताने के लिए कैसे बताते हैं, अपन आइडियल गैस इक्वेशन को काम में लेंगे, पीपी इज इक्वल टू एनआरटी। मोल्स बताना है तो अपन को प्रेशर पता होना चाहिए, प्रेशर किस में होना चाहिए, एटीएम के अंदर। वॉल्यूम अपन को गिवन है, आर अपन को पता है, टेम्परेचर भी अपन को गिवन है, अपन को सिर्फ प्रेशर पता करना है। तो प्रेशर कैसे पता करेंगे, तो वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे गैस का प्रेशर कितना होगा, तो वो अभी अपन ने पीछे देखा था, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 76 प्लस इस हाइट की वजह से ओ
सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस 76 प्लस हाइट कितनी है मरकरी की, 19 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 95 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अब इसको अपन को बताना है एटीएम की टर्म में, क्यों प्रेशर यहाँ पे किस में लेते हैं अपन, एटीएम की फॉर्म में, ये अपने पास क्या है सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो मेरे को कन्वर्ट करना आता है। कैसे आता है मैं आप बताऊं, मैंने पहले देखा था जब कन्वर्जन में 1 एटीएम होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के इक्वल, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर ऑफ एच जी किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन ये 76 नीचे चला जाएगा। अब 95 सेंटीमीटर ऑफ एच जी क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 95 यहाँ पे, मतलब अगर अपन को प्रेशर एच जी की टर्म में दे रखा हो और उसको एटीएम में कन्वर्ट करना हो तो अपन क्या करते हैं सिंपली 76 से डिवाइड कर देते हैं एटीएम। अब इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, अपन सीधा ऐसे ही पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में। अपनी इक्वेशन होती थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर यहाँ पे मेरे पास कितना आया था 95 अपॉन 76, वॉल्यूम कितनी थी कंटेनर की, मेरे को गिवन थी 98.4 लीटर, 98.4 लीटर, एक बार कंफर्म कर लेते हैं 98.4 लीटर, ठीक है 98.4 लीटर इज इक्वल नंबर ऑफ मोल मेरे को कैलकुलेट करने, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट एटीएम के अंदर है तो अपन यहाँ पे इसकी यूनिट भी लेंगे एटीएम पर लीटर पर केल्विन पर मोल वाली, और वो कौन सी थी 0.0821 आर की वैल्यू हो गई। अब और यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना था अपना 300 केल्विन, ठीक है, यही वैल्यूज थी अपनी। इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तब अपने पास आ जाएगा समथिंग 24.63, तो ये चला जाएगा नीचे, तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी 95 अपॉन 76 मल्टीप्लाई 98.4 लीटर अपॉन, ये लीटर को हटा हुआ अब यहाँ पे 24.63 इज इक्वल्स टू एन। और जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं ये इसको काटेगा 4 टाइम्स, ठीक है, अब 476 को काटेगा 19 टाइम्स और 19 5, ये अप्रोक्सीमेटली 5 हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना जाएगा मेरे पास 5 मोल्स। ये बात हो गई मैनोमीटर की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के, आज की वीडियो को अपन यही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो सबसे इजी होता है इस चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।